एत्मादौला थाना क्षेत्र से ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भरे हुए ट्रक चोरी मामले में पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है। इस ट्रक में लगभग 70 लाख रुपए का ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान था। क्षेत्रीय पुलिस और एसओजी की टीम ने इस ट्रक की बरामदगी के साथ साथ चोरी करने वाले शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार के मुताबिक ऑटो पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे हुए ट्रक को चोरी किए जाने की वारदात को हरियाणा के गैंग के बदमाशों ने अंजाम दिया था। बदमाश इस सामान को दिल्ली में बेचने की तैयारी कर रहे थे और इसके लिए इस ट्रक के माल को दूसरे ट्रक में लोड भी किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को दबोच लिया और माल भी बरामद कर लिया। चोरों ने एत्मादौला क्षेत्र से ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भरे हुए जिस ट्रक को चोरी किया, उसकी पहचान छुपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट और रंग बदल दिया गया, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दादरी से ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी ने एक ट्रक में 17 मार्च को ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के 489 कार्टन ट्रक में लोड कराए थे। माल की कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए थी। मध्य प्रदेश के देवास और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जाना था। 18 मार्च को चालक एत्मादौला क्षेत्र में आया, होली होने की वजह से अपने घर में रुक गया। इसी बीच माल सहित ट्रक को चोरी कर लिया गया। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार ने बताया कि इस वारदात के खुलासे के लिए एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यदेव शर्मा की टीम को लगाया गया। शनिवार को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि झरना नाले के पास जंगल में ट्रक खड़े हुए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस और एसओजी को मिली, दोनों हरकत में आ गए और तुरंत टीम तैयार की गई और मुखबिर के बताए गए ठिकाने पर छापा मार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झरना नाले के जंगल में एक नहीं दो ट्रक और उसका माल बरामद कर लिया गया। पुलिस को देखकर ट्रक के पास मौजूद शातिर बदमाशों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस सभी को घेर पाती इससे पहले ही दोषी चोर पुलिस की गिरफ्त से निकल गए, लेकिन पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उनके गैंग के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा रहा है। 22/3 को होम लॉजिस्टिक के जो ओनर है उनके द्वारा एक FIR थाना एत्मादौला में कायम कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये अंकित कराया गया था कि उनका एक ट्रक जो कि 17/3 को चला था दादरी से और उसे मध्य प्रदेश जाना था और उसे औरंगाबाद जाना था माल लेके, उसमें 489 कार्टून्स भरे हुए थे। उस घटना का आज खुलासा किया गया है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए, दोनों मेवाती हैं और इनके पास से एक ट्रक जो चोरी गया था वो बरामद हुआ है। उसके 489 कार्टून्स में से 436 कार्टून्स बरामद हुए हैं, लगभग 80-85% रिकवरी है। और इसके अलावा जो दूसरा ट्रक जिसमें माल लाद रहे थे वो बरामद हुआ है। इस तरह जो रिकवरी है ट्रक और कार्टून्स में ला के लगभग 1,20,00,000 रुपये की रिकवरी है। इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त का पुराना इतिहास है और एसओजी टीम और एत्मादौला टीम इन दोनों के संयुक्त प्रयास से एसपी सिटी साहब के निर्देशन में और सीओ छत्ता के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। ये इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा इन्हें 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। जो टीम देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ये जैसा कि आप जानते हैं ये मेवात जो है वो इस तरह की घटनाओं करने वालों से भरा हुआ है और उन लोगों का यही पेशा है कि इस तरह की चोरी की घटनाएं करें, लूट की घटनाएं करें और उस माल को फिर छुपाएं। तो ये कोशिश कर रहे थे, कुछ माल इनके द्वारा जो 36 कार्टून्स है वो बेच लिए गए हैं और बाकी जो कार्टून्स है उसे बेचने की फिराक में ये लोग थे, उसी के दौरान ये पकड़े गए। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जिसने इन्हें इनवाइट किया था वो भी है और अभी कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी की जाए। मैं ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड कंपनी के बिहाफ से अनिल डांगी लीगल हेड बोल रहा हूँ। अगर पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है क्या कहना चाहेंगे आगरा पुलिस? जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो इस केस में हमें सपोर्ट किया है सिंस डे वन और FIR रजिस्टर के बाद में जो 72 घंटे में जो रिकवरी करके दिया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड द लिमिट था। मतलब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में यूपी पुलिस इतना फास्ट काम कर पाएगी, क्योंकि हमारे ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं बट जो इतना फास्ट जो इतनी स्पीड पे जो काम किया है, रिकवरी किया गया है, लोगों को ट्रेस किया गया है, वो बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन है। We really appreciate all the support we received from the SOG, Agra SOG team, Etmadulla police station team and CEO Chhata ma'am and SP City sir and the SSP Agra.
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।